नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आरके, और आप देख रहे हैं आरके ट्रेडिंग। तारीख है दोस्तों 12 अगस्त 2021 और समय 9:09:22 हो रहे हैं। देखिए, एक करेंसी का ट्रेड तो मैंने अभी ले लिया है, हालांकि आप लोगों को भी मैंने टेलीग्राम चैनल पर अपने मोबाइल एप्लीकेशन पर कॉल दिया हुआ है। करेंसी का 5 लॉट लिया है, 25 के लॉस में हूँ फिलहाल, लेकिन इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। छोटा सा एक स्टॉप लॉस लगा के बैठो और ये अच्छा प्रॉफिट दे के जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। फिलहाल मार्केट 21 पॉइंट पॉजिटिव ओपन हो रहा है, 16,300 के पास, बिल्कुल अपने रेजिस्टेंस जोन के पास ओपन हो रहा है निफ्टी। और बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी 35,825 के पास में ओपन हो रहा है, यानी ये भी 20 पॉइंट लगभग पॉजिटिव ओपन हो रहा है। और ये 25,825 यहाँ कहीं पर, यानी ये रेजिस्टेंस जोन पर, देखते हैं। यहाँ पे भी छोटा सा सपोर्ट है 35,700 का, ऊपर 35,850, 35,860, 35,870 ये सब रेजिस्टेंस है, नीचे सपोर्ट है छोटा सा, देखते हैं कहाँ पे मार्केट क्या होता है। जो स्टॉक्स मैंने टेलीग्राम ये अपने यूट्यूब 3 स्टार में दिया हुआ है, मैकडेवल, एसआर ट्रांसफिन और अरविंदो फार्मा, ये मैंने लगा लिए हैं। अरविंदो फार्मा लगभग सब देखिए थोड़ा पॉजिटिव ओपन होने की कोशिश कर रहा है। अरविंदो फार्मा हो गया, चाहे मैकडेवल हो गया, चाहे एसआर ट्रांसफिन हो गया, एसआर ट्रांसफिन बिल्कुल 1300 के पास ओपन हो रहा है, अच्छी बात है। अभी देखते हैं कहाँ पे से पोजीशन बनता है। लूपिन और टीसीएस थोड़ा सा नीचे की साइड में ओपन होने की कोशिश कर रहा है। लूपिन ओपन हो रहा है 1030 के आसपास में, शायद ये क्लोजिंग है 1050 और ये 1030 पर ओपन हो रहा है। अभी पहले 1030 ये यहाँ कहीं पे ओपन हो रहा है, बिल्कुल अपने लोएस्ट प्राइस के पास में, तो देखते हैं लूपिन में कुछ शायद मामला है नीचे की साइड का। और इसी तरह अगर हायर जोन की बात करें तो हायर जोन पे बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो बहुत अच्छे ओपन हो रहे हैं, जैसे कि हैवल्स ऊपर की साइड में खुल रहा है, पीडी लाइट, ये सब स्टॉक्स काफी ऊपर के लेवल पे खुलने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए अभी वेट करेंगे और देखते हैं, अभी जब लाइव सेशन ऑन होगा फिर मैं आपसे मुलाकात करूंगा। रिकॉर्डिंग पॉज करता हूँ। ओके सर, ठीक है, सब कुछ ओके है, ठीक है, ओके। नमस्कार, क्या हो गया लूपिन को भाई, लूपिन को क्या हो गया? लुपिन को 1010 के स्टॉप लॉस के साथ बाय बनेगा क्या? लीजिए, 1010 का स्टॉप लॉस दिया तो 1010 पे बाइंग भी हो गया, सेलिंग भी हो गया। देखिए लुपिन में 86 का, मॉर्निंग प्रीतम जी, लुपिन को क्या हो गया भाई, काफी नीचे खुला है। चलिए देखते हैं आज लुपिन और विंडो फार्मा, इस सब पे नजर रखिए, काफी डाउनफॉल है। मॉर्निंग सर, और विंडो फार्मा 860 के ऊपर बाइंग है, एसआर ट्रांसफिन 1303, एसआर ट्रांसफिन वहीं पर है। लुपिन में कोई खबर उबर आई है क्या? बहुत भयानक लुपिन नीचे टपका है। ₹999 के एसएल के साथ लुपिन को बाय कर रहा हूं, ₹1 के एसएल के साथ लुपिन को बाय किया है, ₹1 के एसएल के साथ लुपिन को बाय किया है। ठीक है सर, अभी 140-170 का प्रॉफिट हो रहा है। ₹1 का एसएल लिया है, देखते हैं ₹1 के एसएल से क्या रिजल्ट निकल के आता है। वेट करते हैं, अभी तो 400 का प्रॉफिट हो गया है। ₹300, ₹340, ₹260, ₹1 का एसएल है छोटा सा। पोजीशन ये है मेरा सर, देखिए पोजीशन दो ट्रेड हैं, एक करेंसी है जिसमें 150 का लॉस हो रहा है और एक लुपिन है जिसमें 254 का प्रॉफिट हो रहा है, टोटल 284 का प्रॉफिट चल रहा है, 300 हो गया लुपिन में। लुपिन चलिए
जा रहा 400, 424, 470, 430, 454, 100 क्वांटिटी लिया 489, 454, एक झटका से लिया था जिसमें 86 रुपए का पहले लॉस हो गया था, उसको कवर करके ये 424 का प्रॉफिट दे रहा है। मार्केट कैसा चल रहा है भाई, मार्केट कैसा चल रहा है, 530 का प्रॉफिट हो गया, जिसको बुक करना बुक कर लें, 5 पॉइंट आराम से मिल गए, 1 रुपए के लॉस पे 5 पॉइंट का प्रॉफिट, 7 पॉइंट का प्रॉफिट हो गया, 1 रुपए के लॉस में 7 पॉइंट, 8 पॉइंट का प्रॉफिट हो गया 1 रुपए के लॉस में, तो मैं यहाँ से प्रॉफिट बुक करूंगा, 900 हो गए, 1000 हो गए, मैं प्रॉफिट बुक कर रहा हूँ भाई। 1 रुपए के लॉस में हमने 8 रुपए का प्रॉफिट बनाया है ना, बुक हो गया आप लोगों का, यस और नो? बुक हो गया, ने प्रॉफिट बुक कर लिया, ओके ओके ठीक है। देखिए वहीं से तेजी से गिरावट आ गई, बहुत बढ़िया, चलिए ठीक, जस्ट डायल, ओके जस्ट डायल चेक कर लेते हैं। हमने तो 2 ट्रेड कर लिए, एक लूपिन में अपना काम हो गया और एक इसमें। अगर जस्ट डायल 954 के नीचे चला गया तब तो कमजोर हो जाएगा, अदरवाइज अगर किसी को रिस्क लेने का मूड है तो 954 का ही स्टॉप लॉस लगा के बाय कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से अगर आप 960 के ऊपर बाय करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, 960 के ऊपर अगर आप बाय करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो हमने 2 ट्रेड लिए ना, हमने 2 ट्रेड लिए और दोनों ट्रेड का पोजीशन कुछ इस प्रकार है, लूपिन में 826 का प्रॉफिट बुक किया और करेंसी में 150 का लॉस, टोटल 676। इसको एक्सेल शीट पे मेंटेन कर लेंगे हम लोग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको एक्सेल पे मेंटेन कर लेंगे आराम से और देखते हैं क्या इसका माने, अब तो हो गया हमारा काम, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आज का तो मेरा 500 वाला टारगेट कंप्लीट हो चुका है, जल्दी टर्म कंप्लीट डन हो गया। चलिए 954 का स्टॉप लॉस लगा के जस्ट डायल को बाय कर सकते हैं, लेकिन 954 के नीचे वो कमजोर हो जाएगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। और ऐसा ट्रांसफिन भी नीचे आ गया काफी, 1287 के नीचे सेल है, मैक डबल 650 के ऊपर बाइंग था, ये तो भाग गया 650 के ऊपर, पहला टारगेट भी डन हो गया मैक डबल में 54 का, ओके। और बिंदु फार्मा, वाह काफी भयानक स्तर से गिरा है और बिंदु फार्मा, इसी जगह से कल बाउंस हो गया था और बिंदु फार्म। चलिए मैं एक्सेल सीट पे मेंटेन कर लूं पहले, वहीं से टर्न अराउंड होके चला जाएगा। जस्ट डायल, आपके यहाँ बारिश, हाँ मेरे यहाँ बहुत बारिश है, 1245 के ऊपर हैवल्स भी ठीक ठाक लग रहा है, अगर ये 1245 के ऊपर, हालांकि मेरा इस टर्मिनल का काम कंप्लीट हो गया है लेकिन मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ, 1245 के ऊपर हैवल्स भी ठीक ठाक लग रहा है। भारत फोर्ज को अगर सेल करने का मूड हो तो भारत फोर्ज को 700
76 के नीचे, 776 के नीचे भी भारत फोर्ज को भी सेल किया जा सकता है। आज का जो दो ट्रेड लिया हम लोगों ने उसको नोट कर लेते हैं, 12 तारीख इसका सारा नोट कर लेते हैं। डेट नहीं आ रहा है, आ जाओ। हाँ आ गया, 12 तारीख को एक लूप इन में किया हमने। एक बार 84 रुपए का उसमें एसएल कट गया था, 84 रुपए का लॉस हो गया था, उसको कवर हो गया था, तो टोटल 200 क्वांटिटी हो गए थे ना। मैं यहाँ पे पूरा पोजीशन कर लेता हूँ ओपन। आ जा भाई, आ गया ये डैशबोर्ड यहाँ गया और पूरा का पूरा ये आपके सामने ले आया। और हाँ, कितना पे लिया, 1,005.42 पे 200। चलिए यहाँ पे करते हैं पहले मेंटेन। देखिए 1,245 के ऊपर हैवल्स अच्छा पोजीशन बन सकता है। ये ऑन हो रहा है जब तक, ₹1,005.42 तो यहाँ ओपन हुआ, बाय किया था, लूपिन को एन ज्यादा लग गया, इसको ठीक करना होगा इसीलिए नहीं ले रहा है। LUPIN आजा भाई। ₹1,005.42, 42 ना, आप डायरेक्ट 45 भी कर लिए कोई दिक्कत नहीं है। एग्जिट कितना पे किए, एग्जिट कितना पे, ₹1,009.56, 1,009.56, 1,009.56 की जगह 55 कर देते हैं, 200 हो गया था, 200 तो टोटल हो गया हमारा ₹820 का प्रॉफिट। एक करेंसी का ट्रेड लिया, इन्फी सेल साइड, ओके चेक करते हैं सर, USDINR को खरीदा, मेंटेन एक बार करते प्रमोद जी, इन्फी एक बार इन्फोसिस का बता देता हूं आपको, एक मिनट। हाँ, इन्फोसिस सेल कर सकते हैं बिल्कुल, 1,075 के नीचे, 76 के भी नीचे ठीक ठाक है, 75 के नीचे ज्यादा बढ़िया रहेगा, 75 के नीचे बाय किया था करेंसी को। करेंसी का जो लेबल है वो कितना, 5 क्वांटिटी बाय किया था 74.37 पर, ओके 74.37 पर, 74.37 पर एग्जिट कर गया 74.34 पर, 74.34 पर, 34 पर एग्जिट कर गया। पांच ही लॉट लिया था तो इधर हमें, पांच लॉट का मतलब इसका यूनिट हो जाएगा, इसका क्या होता है यूनिट में चलता है, तो जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे ना तब यहाँ पे आगे देखिए ₹150 का लॉस, 5,000 यूनिट हो गया, पांच लॉट मतलब 5,000 यूनिट, तो 150 का लॉस, तो टोटल हमारा ये ट्रेड हो गया कम्प्लीट, एक में 820 का प्रॉफिट, एक में 150 का लॉस, तो टोटल
₹600 का समथिंग का ₹76 का प्रॉफिट हो गया हमें। तो काम खत्म हो गया इस टर्मिनल का, अब आप लोगों से बात करता हूँ। तो आज का जो है 500 चैलेंज कंप्लीट हो गया, अभी बंद करते हैं इसको और आप लोग से बातचीत करते हैं। हाँ, इन्फोसिस 76 के नीचे 75 के नीचे सेल करिए। ठीक है सर, 16। कल अच्छा रिकवरी मिला जब वो कंफ्यूजन क्लियर हुआ कि बीएससी का मार्जिन, वो मार्जिन कह रहे हैं ब्लॉकिंग वाला, ऐसे क्या मिलता है पैनिक करवा के? सर क्या मिलेगा पैनिक, पैनिक आप हो लोग हो जाते हैं ना, लोगों को लग जाता है कि आज के बाद फिर मार्केट नहीं खुलेगा, लोगों को ऐसा भी लगता है कि आज के बाद मार्केट नहीं गिरेगा, तो पैनिक तो आप लोग होते हैं ना, तुरंत में आधा अधूरा कहीं भी सुन लेते हैं, कहीं भी देख लेते हैं, है ना। बाय कर लिया था ऐसा ट्रांसफिन को, 4 पॉइंट का एसएल दिया था मैंने आप लोगों को, और जहां से 4 पॉइंट का एसएल दिया है वहां से 4 पॉइंट का प्रॉफिट ऑलरेडी हो गया आपको। तो वो आप लोग पैनिक होते हैं ना, आधा अधूरा सुन के अगर काम करिएगा किसी का भी, एक तो 50 तरह का यूट्यूब चैनल फॉलो करके कुछ भी होता है सेबी उबी में तो सीधे यूट्यूब चैनल पे आ जाता है, बंद हो गया इंट्राडे ट्रेडिंग, सेबी ने रिटेल ट्रेडर का गला काट दिया, सेबी ने ये ऐसे ऐसे बने और ऐसे ऐसे वीडियो आप देखते हैं, तो सर वो तो पैनिक में आएंगे ना, जबकि एक्चुअली पहले उसके पीछे पता तो करिए कि बात क्या है। जब तक मुझे मैंने पता नहीं किया तब तक मैं लाइव नहीं आया, जब पता चल गया पूरा बात की ऐसे ऐसी बात है तब फिर मैं लाइव आके बताया कि कहीं कोई टेंशन वाली बात नहीं, आराम से बनिए, कोई बात नहीं। अब मौका मिला कल तो समझिए तरह का एक तरह का मिड कैप स्मॉल कैप में शॉपिंग फेस्टिवल था, अच्छा स्टॉक्स को खरीदने का फिर से मौका मिल गया। तो वो ऐसे करेंगे तुरंत से ऊपर नीचे तो वो तो प्रॉब्लम करेगा ही। कल मेरा दुर्गा पूजा का शॉपिंग हो गया, हो गया ना रिंदम जी, बढ़िया। हिम्मत करके नीचे ऐड कर लिया था तो आज सब कॉस्ट टू कॉस्ट हो गया। सर वो तो वैसा ही चलता ही है, वो वैसे कहीं कोई प्रॉब्लम ही नहीं था, बस कंफ्यूजन में सेलिंग हो गई थी। बाकी आप लोगों का ट्रेड हो गया कंप्लीट आज का, करेंसी को बाय बोला था करने के लिए कर लिया था ना, करेंसी बाय साइड ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यूएसडी है ना टारगेट 74.44 सेकेंड और 74.48 के आसपास फाइनल होगा। रैमको सीमेंट करना है सेल ना,
नहीं करना है सेल, नहीं करना है रेमको सीमेंट सेल, और एस्कॉर्ट को भी मैंने आपको सेल मना किया था, सेल तो नहीं मार दिया एस्कॉर्ट में, एस्कॉर्ट मैंने सेल मना किया था, नहीं ना मारा सेल, अगर अभी आप सेल मारते तो हो जाता तिया पचा आपका, है ना। और रेमको भी सेल नहीं है, रेमको एकदम बहुत अच्छे तरीके से रेजिस्टेंस जोन पर है आसपास में, और यहाँ से एक बड़ा ब्रेकआउट भी रेमको आपको दे सकता है, रेमको शानदार तरीके से 1020 के ऊपर तेजी से भाग सकता है, रेमको 1020 के ऊपर निकलेगा, बहुत तेजी से ऊपर जाएगा। ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल बायोकॉन और सनफार्मा, डॉक्टर रेड्डी, ग्रेन्यूल्स इंडिया, डिवीज लैब, लूपिन, अच्छा बाय साइड, ओके ठीक है चेक कर लेता हूँ। अभी अगर आप नहीं बोलते ना तो मैं और भी गिनाता आपको कंपटीशन में। मैं सबको बोलता हूँ, आप पहले अपना बताइए कि करना क्या चाहते हैं, उसके बाद मैं बोलूंगा कि कहाँ पे करना है ना। सिर्फ नाम बोल देने से नहीं, मैं तो आप नाम एक बोलेंगे मैं 10 गिनाऊंगा, है ना। 585 के ऊपर ठीक ठाक है, उसके पहले नहीं। क्या हो गया शशांक जी, किसी को आईपीओ मिला देवयानी वाला? नहीं मिला ना, नहीं मिलता, मिलता कहाँ, हम लोगों को अच्छा वाला तो मिलेगा नहीं ना, हम लोगों को चिरकुट वाला मिलेगा, सब जितना चिरकुट आई है सब मिल जाएगा, बढ़िया ना मिलेगा। चल अपना काम तो ऐसे भी हो ही गया है, अपडेट भी कर ही दिया सीट। परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है भाई, परफॉर्मेंस चेक करें एक बार। अडानी पोर्ट 710 के ऊपर निकलेगा तो भागेगा तेजी से, परफॉर्मेंस देखिए, हम लोग ब्रेकआउट दे दिए हैं, हम लोग ब्रेकआउट दे दिए हैं सर, है ना, हम लोग ब्रेकआउट दे दिए हैं एकदम ऊपर की तरफ में, देखिए अभी और है 10-12 दिन फिर ये कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप 23,000 लगा के 10,000 कमा लेते हैं एक महीना में तो कोई खराब नहीं है। देखिए रेमको सीमेंट बहुत अच्छा ब्रेकआउट देगा भाई, देखिए ब्रेकआउट दिया रेमको सीमेंट, चलिए रिकॉर्डिंग बंद करता हूं। रिकॉर्डिंग का क्या, रिकॉर्डिंग तो वही ट्रेड देखने का रहता है, ट्रेड तो कर ही दिया कंप्लीट, रिकॉर्डिंग बंद करता हूं, आप लोग बने रहिए।